हेलो बच्चों, वेलकम टू दी बायोलॉजी क्लासेस। हम लोग ने पिछले वीडियो में जेनेटिक्स का पार्ट वन हमने देखा। आज हम लोग उसी जेनेटिक्स के इंट्रोडक्शन के बाद इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सेकेंड टॉपिक हम लोग देखेंगे, टर्म यूज्ड इन जेनेटिक्स। ये आपका टॉपिक इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसमें हम पूरे जेनेटिक्स में जितने भी टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं उन सारे चीजों का हम लोग बेसिक नॉलेज यहां पर देंगे, जिसमें आज हम लोग सबसे पहले एक टर्म के बारे में चर्चा करेंगे, आपका जीन। बहुत पॉपुलर टर्म है ये जीन। अगर जीन के बारे में देखा जाए तो जीन टर्म को पहली बार यूज किया गया था जॉनसन के द्वारा इन 1909। अब क्वेश्चन आता है कि जीन है क्या। जीन सिंपली डीएनए का सेगमेंट है। डीएनए के सेगमेंट को ही हम जीन कहेंगे। जैसे सिंपली थोड़ा इसको समझा जाए, जैसे मान लो ये आपका एक डीएनए है। अगर इस डीएनए के बारे में देखा जाए तो इसी डीएनए के आपका सेगमेंट को, जैसे इसको अगर हम छोटे छोटे डीएनए को इस तरह से छोटे छोटे सेगमेंट में, अगर हम ये पार्ट में ये डीएनए को हम अगर सेपरेट करते हैं, ये जो छोटा छोटा डीएनए का जो सेगमेंट बनेगा ना, इसी सेगमेंट को, यानी ये जो सेगमेंट होगा, यानी सेगमेंट ऑफ क्या कहिएगा आपका डीएनए, इसी डीएनए के सेगमेंट को हम लोग जीन कहेंगे। और ये जो आपका डीएनए होता है ना, यही डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर के, अब इसका बहुत लंबा मैकेनिज्म है बट हम थोड़ा सा जाने कि ये डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ अगर मिलेगा तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से स्पेशलाइज्ड फॉर्म में अटैच होगा और ये आगे चल के एक बहुत पॉपुलर स्ट्रक्चर बनेगा, क्रोमोसोम। अगर इस क्रोमोसोम के बारे में देखा जाए तो ये क्रोमोसोम एक्चुअली ये टू क्रोमेटिड्स इसमें होंगे और वो दोनों क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अटैच होते हैं सेंट्रोमियर से। उस सेंट्रोमियर को क्रोमोसोम का ड्राइवर कहेंगे और इसी डीएनए के मिलने से चूंकि हमारा क्रोमोसोम बना तो जितने भी ये सेगमेंट है, जिसको हमने क्या बोला, ये जीन बोला, ये टोटल जीन इसी क्रोमोसोम के ऊपर एक लीनियर मैनर में अरेंज होंगे और जितने भी जीन इस क्रोमोसोम के ऊपर होंगे उन सारे जीन का पोजीशन फिक्स होता है और उसी जीन के पोजीशन को हम लोग लोकाई या लोकस कहते हैं, लोसाई या लोकस, दिस इज पोजीशन ऑफ क्या कहिएगा जीन। अगर हम जीन के बारे में देखें तो जीन सिंपली सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंट्रोल जेनेटिक कैरेक्टर इन मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग। बट याद रखना, आपका कुछ ऑर्गेनिज्म कुछ के केस में छोड़ के, जैसे कि कुछ ऐसे आरएनए होते हैं दैट इज रियो वायरस या ये टीएमबी, इन सब के केस में डीएनए नहीं होगा, इसीलिए उनके जगह पर आरएनए आपका जीन के तरह काम करेगा और उनमें आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल होगा। बट हम लोग के केस में ये जो डीएनए है, हम लोग के केस में डीएनए जेनेटिक क्या कहिएगा मटेरियल होगा, यानी मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में ये डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। खैर, नेक्स्ट हमने क्या बोला, इस जीन को मेंडल साहब ने इसी जीन के जगह पर एक टर्म यूज किए थे, फैक्टर्स या एलिमेंट्स। और अकॉर्डिंग टू जीन थ्योरी कि जितने भी आपका जीन होते हैं ये सारे जीन क्रोमोसोम पर एक लीनियर फैशन में अरेंज होंगे।
तो अकॉर्डिंग टू जीन थ्योरी ऑल जीन्स आर अरेंज ऑन क्रोमोजोम इन लीनियर फैशन। इस बात को बोले थे एस्ट्रोमेंट साहब ने कि सारे जीन हमारे क्रोमोजोम पर एक लीनियर फैशन में क्या कहिएगा अरेंज होंगे। नेक्स्ट पोजीशन या लोकेशन या होम ऑफ जीन ऑन क्रोमोजोम इज कॉल्ड लोकस, या इसी को लोकाई कहते हैं। अच्छा, जीन इज पैसेंजर, चूंकि हमारे इस क्रोमोजोम पर बहुत सारे जीन होते हैं और सेंट्रोमियर चूंकि सिंगल है तो सेंट्रोमियर को क्रोमोजोम का ड्राइवर कहें और बहुत सारे जीन अरेंज है, इस जीन को क्रोमोजोम का पैसेंजर कहेंगे। क्रोमोजोम का तो क्वेश्चन आता है क्रोमोजोम क्या, तो क्रोमोजोम सिंपली क्रोम और जोम, क्रोम मींस होता है कलर्ड और जोम मींस बॉडी, यानी क्रोमोजोम एक कलर्ड बॉडी है जिसके ऊपर आपके जीन क्या कहिएगा अरेंज होते हैं और यही क्रोमोजोम हमारे जेनेटिक कैरेक्टर को वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में क्या करेगा ट्रांसफर करेगा। और टर्म क्रोमोजोम वाल्डेयर, इन्होंने क्रोमोजोम टर्म को दिया। लेकिन एक बहुत पॉपुलर बायोलॉजिस्ट हैं बेंजर, बेंजर साहब ने आपका जीन के रिगार्डिंग थ्री मॉडल कॉन्सेप्ट थ्री टर्म यूज किए थे, सिस्ट्रॉन, दिस इज फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन, रिकॉन यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन यानी क्रॉसिंग ओवर, म्यूटोन यूनिट ऑफ म्यूटेशन। अब ब्रेन में एक क्वेश्चन आता है कि म्यूटेशन क्या है, तो गौर करिएगा दो टर्म हम लोग कोरिलेट करेंगे, एक म्यूटेशन और एक एटाविज्म। म्यूटेशन और एटाविज्म बोथ आर सडन प्रोसेस, बट म्यूटेशन में सबसे पहले जो कैरेक्टर सडनली आएंगे वो न्यू कैरेक्टर होंगे और आपका एटाविज्म में जो कैरेक्टर आएगा वो एंसेस्ट्रल कैरेक्टर आएगा। जैसे हम लोग यहां देखते हैं म्यूटेशन टर्म और म्यूटेशन थ्योरी को देने वाले हुगो डेवरीज साहब, जिन्होंने वेनोथेरा लेमरकियाना या मिनी प्राइमेट्स के ऊपर इन्होंने म्यूटेशन को एक्सपेरिमेंटली देखा था। म्यूटेशन कहेंगे किसको, दैट मींस सडन या सडनली अपीयरेंस ऑफ परमानेंट न्यू हेरिटेबल कैरेक्टर, दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। बट इन एटाविज्म सडनली रीअपीयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर और दिस कैरेक्टर नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन एंड हेंस एटाविज्म इज नॉन हेरिटेबल बट म्यूटेशन इज हेरिटेबल। अब म्यूटेशन डिटेल में जानेंगे बट जैसे सिंपली इसका एग्जाम्पल एक सिकल सेल एनीमिया, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। बट म्यूटेटेड एटाविज्म जैसे आयरिश डॉगमैन, पर्जिंस ऑफ टेलिंग चाइल्ड, ये दीज आर एंसेस्ट्रल कैरेक्टर और ये कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होंगे। तो हमने थ्री टर्म देखा, जीन, म्यूटेशन और अनदर इज एटाविज्म। अब हम एक नेक्स्ट टर्म देखते हैं एलील, दैट इज एलिलोमॉर्फ। इस एलील टर्म को यूज किए थे बैटसन साहब इन 1900 क्या कहिएगा फाइव। एलील है क्या, हमको पता है कि हमारे बॉडी में मेनी कैरेक्टर्स, तो सभी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए हमारे बॉडी में जीन होते हैं और उसी कैरेक्टर के अल्टरनेट फॉर्म को एलील कहेंगे। जैसे सिंपली यहां पर हमने दो एग्जांपल प्लांट के केस में चर्चा किया, पी प्लांट का एग्जांपल हमने देखा, जैसे कि जीन फॉर हाइट ऑफ प्लांट। अब जीन फॉर हाइट ऑफ प्लांट्स, तो पी प्लांट के केस में हाइट का एक जीन होगा और उस हाइट के जीन का टू अल्टरनेट फॉर्म होगा, दैट इज टॉल एंड ड्वार्फ।
tall simply indicate capital T, these are dominant, or dwarf represent a small t, these are recessive. That means height ke gene ka do alternate form, ye jo two alternate form hue, that is allele. Isi tarah se gene for flower color, agar dekha jaye iska bhi two alternate form, one is violet ya red or white, these are represented by capital R and another is small r. That is two allele of क्या कहिएगा gene. तो allele simply represent alternate या different form of gene. जैसे कि हमने क्या देखा, allele are two Mendelian factor. Allele चूंकि Mendel साहब ने इसी gene के जगह पर उन्होंने term use किया था factor. ये जो alternate form होगा which occurs on सेम लोकस पोजीशन, सेम लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, कंट्रोल एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर इन एन इंडिविजुअल, या नहीं तो हम इसको कह सकते हैं इट रिप्रेजेंट एट लिस्ट टू अल्टरनेट, एट लिस्ट टू अल्टरनेट डिफरेंट या कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ कैरेक्टर या फॉर्म ऑफ जीन ऑक्युपाइज ऑन corresponding position of chromosome. जैसे कि हम अगर देखें diploid के केस में और haploid के केस में, हमेशा याद रखोगे diploid organism के केस में allele always pair होगा और एक parental chromosome पर होंगे allele और उसी के जो दूसरे form होंगे वो maternal chromosome पर होंगे. जैसे कि एक सिंपली डिप्लोइड सेल या बाइप्लोइड सेल या ऑर्गेनिज्म के केस में देखा जाए तो वन इज पैरेंटल क्रोमोसोम और अनदर इज मैटरनल क्रोमोसोम, बोथ आर होमोलोगस और इस क्रोमोसोम पर हाइट के एक पैटर्नल पर एलील और अनदर एलील मैटरनल पर. यहां पर देखोगे कैपिटल टी और कैपिटल टी, this is identical allele of height. अब height के जीन का ये जो दो identical allele है, that means ये pair है, these are homozygous. और यहाँ पर देखोगे capital R और इसी का another alternate form जो है, संजोग से ये maternal पर small r है, that means ये आपका alternate form और ये जो दो allele हैं, this is unidentical allele, that is heterozygous. यानी कहने का मतलब पैटर्नल और मैटर्नल क्रोमोसोम पर किसी भी जीन के जो अल्टरनेट फॉर्म होते हैं ये इसी वन एलील पैटर्नल और अनदर एलील क्या कहिएगा मैटर्नल, तो ये जो अल्टरनेट फॉर्म होंगे इसी अल्टरनेट फॉर्म को हम लोग एलील कहेंगे. जैसे डिप्लोइड के केस में पेयर होगा और यही एलील हैप्लोइड के केस में या मोनोप्लोइड के केस में अनपेयर्ड होगा, क्योंकि गैमेट क्या कहिएगा अनपेयर्ड होता है और गैमेट में आइदर पैटर्नल या मैटर्नल क्रोमोसोम, इसमें भी एलील होंगे लेकिन जो भी एलील होंगे ये दैट इज क्या कहिएगा आपका अनपेयर होगा. तो ये हम लोगों ने देखा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, जैसे हमने देखा जीन, आपका देखा म्यूटेशन, एटाविज्म, एलील, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्म अगले वीडियो में लेकर के मिलते हैं. और अगर ये वीडियो आपको समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आप लोग को पुनः नोटिफिकेशन चले जाए.